तम तोड़ रहा था। सैकड़ों वर्षों की विरासत तम तोड़ रही थी। कोई पुरसा हाल नहीं, पिछली सरकारों को पुरसा भी नहीं था कि इस उद्योग से जुड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए कुछ कार्य किया जाना चाहिए, उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। भाइयों बहनों, 2017 में सरकार आई, 2018 में हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद की योजना बनाई। एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से मुरादाबाद के यहाँ का पीतल उद्योग को रखा और पीतल उद्योग के माध्यम से हम लोगों ने जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले मुरादाबाद से लगभग 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का पीतल का जो सामग्री बनती है यह दुनिया को एक्सपोर्ट होती है। आज मुरादाबाद सांप्रदायिक तनाव दंगों के लिए नहीं, अवैध तस्करी के लिए नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट का एक बड़ा हब बन गया है। यहाँ के नौजवानों को यहीं पर उनके घर में कार्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बदले हुए उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर है। कोरोना महामारी को भी हम लोगों ने झेला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद जनपद के रत्तूपुरा में दौरे पर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने जन विकास की 30 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर मुरादाबाद को 69.58 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। साथ ही सरकार के लाभार्थी परक योजनाओं के 13 लाभार्थियों को लाभान्वित कर प्रमाण पत्र भी सौंपे। वहीं इस दौरान मंच से संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, जिनके कारण आज उत्तर प्रदेश का हर जनपद मेडिकल ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। आज मुरादाबाद को 2 ऑक्सीजन प्लांट चालू हालात में प्राप्त हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में मुरादाबाद का पीतल उद्योग दम तोड़ रहा था। सैकड़ों वर्षों की विरासत दम तोड़ रही थी। पीतल उद्योग को लेकर पूर्व की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। 2017 में जब भाजपा की सरकार आई तब वर्ष 2018 में हमने एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं, जिनके कारण आज उत्तर प्रदेश का हर जनपद मेडिकल ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। आज मुरादाबाद को 2 ऑक्सीजन प्लांट चालू हालात में प्राप्त हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में मुरादाबाद का पीतल उद्योग दम तोड़ रहा है। सैकड़ों वर्षों की विरासत दम तोड़ रही है। पीतल उद्योग को लेकर पूर्व की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। 2017 में जब भाजपा की सरकार आई तब वर्ष 2018 में हमने एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू की। आज अकेले मुरादाबाद में 6,000 करोड़ एक्सपोर्ट होता है। यहाँ के बने उत्पाद दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं। आज मुरादाबाद सांप्रदायिक तनाव और दंगों के लिए नहीं, अवैध तस्करी के लिए नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट का बड़ा हब बन गया है। यहाँ के नौजवानों को यहीं पर रोजगार मिल रहा है। ये बदले हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। आज देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोग उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए हैं। कहां से लोग गरीबों का राशन देते। भैया बहनों, आज देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोग उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए। पहले 4 वर्ष के अंदर बदले हुए उत्तर प्रदेश को आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने वही फॉर्मूला लागू किया। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके पास आता था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाता था, तो हम लोग कहते थे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 विधान नहीं चलेंगे। और मोदी जी ने 2019 में देश के अंदर आतंकवाद की जननी धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। आप लोग याद करते थे, हमेशा नारा लगाते थे, हम लोग आते थे चुनाव में नारे लगते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और फिर पत्रकार बंधु और विपक्षी लोग हम पर टिप्पणी करते थे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन आज तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ करा दिया
और आज आपने देखा होगा निरंतर समाचार पत्रों में आ रहा है भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की नींव की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। एक ऐसा मंदिर 1000 वर्षों तक कोई भी आपदा किसी भी प्रकार की परिस्थिति से बिगाड़ नहीं सकती, ऐसा भव्य मंदिर दुनिया के अनुपम मंदिर बन रहा है। अयोध्या में रामलला की पावन योजनाओं को शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ यहां पर 2 ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ हो रहा है। आपने देखा होगा दुनिया अभी कोरोना महामारी से पूरी तरह उभर नहीं पाई है और कोरोना की दूसरी लहर में हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी ऑक्सीजन की। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण ऑक्सीजन में उत्तर प्रदेश का हर जनपद अब आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और आज मुरादाबाद को 2 ऑक्सीजन प्लांट चालू स्थिति में प्राप्त हो रहे हैं, इसके लिए मुरादाबाद के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं और इसकी पहल करने वाले अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। और हमारी सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है, जब सुशांत सिंह के नेतृत्व में ये सभी किसान मेरे पास आए थे, हमने एक कमेटी का गठन किया है। भाइयों बहनों, हम लोग इस समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैयार हैं। आपको याद होगा विपक्ष नहीं चाहता है कि इनकी समस्या का समाधान हो, क्योंकि विपक्ष तो आपके मार्ग में रोड़े बनना चाहता है। विपक्ष ने तो जो कानून मोदी जी ने बनाया पास किए का, उस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हर हिंदू को प्रदेश के अंदर नागरिकता देने का अधिकार भी दिया गया था और वह दिया भी जा रहा है। लेकिन विपक्षियों ने कितने बड़े बड़े आंदोलन करवाए थे, दंगे करवाने के प्रयास किए थे और दंगा इस हद तक करवाने का प्रयास किए, निर्दोष व्यापारियों के प्रतिष्ठानों को जलाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा था कि हाथ जलाओगे तो फिर तुम्हारी पूरी आने वाली पीढ़ी इसका भुगतान भी करेगी, याद रखना।